दोस्तों, जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं, अगर उस वाउचर में एंट्री करने के बाद में अगर उस वाउचर सीरीज में से अगर कोई एक वाउचर हमारे से बाई मिस्टेक डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारे सीरीज का नंबर है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसा कि हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ये नो इनवॉइस है जो सेल के इशू किए गए, लेकिन गलती से मान लीजिए हमारे से अगर कोई ये 5 नंबर इनवॉइस अगर डिलीट हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो 6 नंबर इनवॉइस का जो डाटा है वो हमारा 5 नंबर बन जाता है, 7 वाला 6 बन जाएगा, 8 वाला 7 बन जाएगा और 9 वाला 8 बन जाएगा, यानी कि एक एक सिक्वेंस है जो बैक हो जाएगा। उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आगे जाके फेस करने को पड़ती थी, लेकिन अब इसका जो सोल्यूशन है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो नया रिलीज है 3.0 जो कि अभी लॉन्च होएगा, उसके अंदर इस समस्या का जो सोल्यूशन है वो मिल चुका है। अगर नए टेली प्राइम का जो नया रिलीज है 3.0 उसमें अगर बाई मिस्टेक हमारे से अगर कोई वाउचर है जो डिलीट हो जाता है, तो डिलीट होने की वजह से जो हमारी वाउचर की जो सिक्वेंस है वो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगी। मान लीजिए अगर हमारे से ये 5 नंबर इनवॉइस है जो डिलीट हो गया, तो ये ऐसा नहीं है भी जो 6 नंबर का इनवॉइस है वो 5 नंबर बन जाएगा, नहीं, 5 नंबर आपका मिस दिखाएगा, 6 नंबर वाला डाटा बिल्कुल आपका 6 रहेगा, 7 वाला 7 ही रहेगा, 8 वाला 8 रहेगा, 9 वाला 9 रहेगा। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों टाइप के वर्जन के अंदर इसका कंपैरिजन करके बताएंगे कि अभी तक जो हम 2.1 का रिलीज यूज कर रहे हैं उसमें अगर हम कोई वाउचर डिलीट करें तो किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा, और जो आने वाला रिलीज है उसमें अगर डिलीट करेंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आने वाले जो नया रिलीज है उसमें बाई मिस्टेक अगर हमारे से कोई वाउचर डिलीट हो भी जाता है तो हम उसको वापस रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 2.1 के अंदर ऐसा नहीं है। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये सारी बातें प्रैक्टिकल शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आप इस फीचर को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम सेल वाउचर है जो ओपन कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने ये जो टेली प्राइम का ये जो 2.1 है जो अभी तक लेटेस्ट चल रहा है, इसका मैंने टोटल 9 इनवॉइस है जो इशू किए हैं। अब मैंने इस वीडियो को और ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैंने केवल 1-1 रुपए की एंट्री करी है, यानी कि 1 नंबर इनवॉइस के अंदर केवल सिंगल 1 रुपए की एंट्री है, 2 नंबर इनवॉइस के अंदर 2 रुपए की एंट्री है, 3 वाले में 3 में, इसी तरीके से 9 वाले 9 में, ताकि हमें अच्छी तरीके से पता चले भी डाटा डिस्टर्ब है जो किस प्रकार से होता है, ठीक है। और जो नया अल्फा वर्जन है जो भी लॉन्च होएगा उसको भी हम ओपन कर लेते हैं, और इसमें भी मैंने केवल 9 इनवॉइस है जो इशू किए हुए हैं। यहाँ पर भी मैंने इनवॉइस के अकॉर्डिंग 1 रुपए की 1 नंबर इनवॉइस में 1 रुपए की एंट्री है, 2 नंबर इनवॉइस में 2 रुपए की, 3 की, इसी तरीके से 9 वाले में 9 रुपए की। अब यहाँ पर भी हमें पता चलेगा भी अगर एक इनवॉइस अगर हम डिलीट करते हैं, मान लीजिए 4 नंबर इनवॉइस हम डिलीट करके देखेंगे, तो ये जो डाटा है केवल ये डिस्टर्ब हो, ये हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इस सिक्वेंस के साथ है जो पड़ा रहना चाहिए। किस प्रकार से देखते हैं, सबसे पहले हम ओल्ड वर्जन पर चलते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड नंबर पर चलने के बाद हम देखते हैं, एक बार हम ये जो 4 नंबर वाउचर है इसको डिलीट करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं सभी के सामने ये वाउचर नंबर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर अमाउंट है। तो मैं 4 नंबर वाउचर को डिलीट करता हूँ, एल्ट डी प्रेस किया, यस कर दिया। अब देखो मैंने डिलीट कर दिया, तो अब इनवॉइस जो अभी हमारे को यहाँ पर 9 दिखा रहे थे वो अब 8 आ गए, अब इनवॉइस नंबर तो 8 आ गए, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक देखो अब क्या हो रही है भी, हमने 4 नंबर इनवॉइस को जो डिलीट किया, अब क्या हुआ जो 5 नंबर इनवॉइस था ना वो अब 4 नंबर बन चुका है। इसकी अमाउंट आप देख सकते हो, ये 5 नंबर इनवॉइस की जो अमाउंट है पहले 5 रुपए की थी, 5 रुपए की थी, अब वो 6 रुपए की बन गई, 6 वाला इनवॉइस अब 7 रुपए का, 7 वाला 8 का और 8 वाला 9 का। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, काफी सारी प्रॉब्लम हमें हो जाएगी। अब मान लीजिए ये तो सारे, चलो हमने डमी के रूप में केस की वाउचर की एंट्री, अगर इसी तरीके से अगर ये किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पार्टियों की हो तो सारा सिक्वेंस है जो इसका बिगड़ जाएगा, उन पार्टियों के साथ हमारी स्टेटमेंट है जो वो भी मैच नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी अभी तक 2.1 के सीरीज के साथ, और हमें पता भी नहीं चलता था, और हम सोचेंगे भी हमने केवल 8 ही इनवॉइस है जो इशू किए, और 8 इनवॉइस किए डिलीट हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट है वो भी इसके साथ के साथ चेंज होगी। अब पहले जो 4 रुपये 4 नंबर इनवॉइस के अंदर 4 रुपये की अमाउंट थी, लेकिन अब ये 4 नंबर इनवॉइस के अंदर आपको
₹5 की अमाउंट है जो दिखा रहा है, जबकि ये जो एंट्री है, ये जो अमाउंट है, ये 5 नंबर इनवॉइस की है। ये सारा इस सिक्वेंस है जो अब इसके अकॉर्डिंग अब जो बिगड़ चुका है, ठीक है। लेकिन अब ये जो दिक्कत है, जो नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा, उसमें नहीं आएगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम ये 4 नंबर जो इनवॉइस है, इसको हम डिलीट करके देखते हैं। आप एक बार अच्छी तरीके से इसको देख सकते हो, मैंने वाउचर के अकॉर्डिंग ही उसकी एंट्री करके रखी हुई है, ठीक है। और अब हम करते हैं इसमें से 4 नंबर वाउचर को डिलीट। अच्छा, उससे पहले हम एक बार देखते हैं भी, अगर भाई तो हमने यहाँ पे इसमें 4 नंबर इनवॉइस को डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी पता भी नहीं चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा अभी भी हमारा ये सिक्वेंस के अंदर ही दिखा रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर आने के बाद में क्या करोगा, अगर मैं यहाँ पे एल्ट डी करता हूँ अल्फा वर्जन में 3.0 के अंदर, तो इस वाउचर को मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। अब डिलीट करने से क्या हुआ, अब हमारा जो डाटा था सिक्वेंस वाइज वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 1 नंबर इनवॉइस में 1 रुपए की एंट्री है, 2 नंबर वाले में 2 रुपए की है, 3 वाले में 3 की है, 5 वाले में 5 की है, 6 वाले में 6 की है, 7 वाले में 7 की है, 8 वाले में 8 की है और 9 वाले में 9 की है। यानी कि बिल्कुल भी डाटा हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ, वाउचर नंबर बिल्कुल मिस है। तो आप सिक्वेंस में देखते हो 1 2 3 और इसके बाद में सीधा 5 नंबर इनवॉइस आपको दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट पता लग सकता है कि अगर हम इसको देखें या हमारे GST रिपोर्ट में हम जाके देखेंगे तो वहाँ से भी हमें पता लग सकता है। लेकिन अब ये बड़ी बात है, मान लीजिए हमने इस डाटा को, मतलब जो वाउचर हमने डिलीट किया है 4 नंबर का, अब उसको अगर हमें वापस रीयूज करना हो, अब रीयूज करने का मतलब ऐसा नहीं है भी जो उस वाउचर के अंदर एंट्री थी वो एंट्री वापस आ जाएगी, एंट्री आपकी वापस नहीं आएगी, बट आप उसका जो 4 नंबर वाउचर था हम उसको वापस सिक्वेंस में ला सकते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हम वापस वाउचर पे जाएंगे और वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर मोर डिटेल का ऑप्शन है जो दिखाई देगा, मोर डिटेल का कंट्रोल आई के साथ ये बटन हम प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, वाउचर पे गए, मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे वाउचर नंबर डिटेल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमने जो नया वर्जन है इसके अंदर अलग अलग स्टेट वाइज जो सेल कर रखी है, और अभी हमने जो वाउचर डिलीट किया था वो राजस्थान सेल का डिलीट है जो किया था, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे और इंटरप्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट अनयूज वाउचर नंबर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी वाउचर आपके मिस हैं, जो आपने गलती से डिलीट कर दिए, वो आपको अनयूज वाउचर यहाँ दिखा देगा। और ये कह रहा है भी इससे पहले जो प्रीवियस वाउचर नंबर है वो 3 नंबर है और उसकी जो डेट है 2 अप्रैल 2022 की है, और उसके बाद भी जो नेक्स्ट वाउचर नंबर है वो उसका RJ5 नंबर है और वो भी 2 तारीख का है, यानी कि ये अनयूज वाउचर नंबर केवल आपका RJ+4 नंबर वाउचर है। अगर हम इसको वापस यूज में लेना चाहें तो अब इस पर जैसे हम इंटरप्रेस करेंगे, तो अब इंटरप्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर RJ4 नंबर आ गया। अब उसके बाद में इसके अंदर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन थी तो वो हमें करनी पड़ेगी। हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसके एक बार 4 रुपए की एंट्री वापस हम करते हैं CGST tax और HGST tax, एंटरप्रेस किया। अब वापस हम जाके इसकी टोटल हमारा सेल रजिस्टर ओपन करते हैं, तो अब ये देख सकते हो सेल रजिस्टर के अंदर हमारा जो 4 नंबर वाउचर जो डिलीट हुआ था, उस 4 नंबर को डिलीट को हमने इस सिक्वेंस के अंदर वापिस है जो जोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं भी ये जो 4 नंबर जो वाउचर है ये 3 नंबर के बाद में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन हमने कर रखी है वो 2 अप्रैल में ही कर रखी है। अगर आपका जो नंबर आगे पीछे होएगा, मान लीजिए ये 5 नंबर का इनवॉइस अगर मान लीजिए 3 अप्रैल का होता, तो ये जो 2 तारीख का है ये 3 नंबर के बाद में ही आपको दिखाएगा, क्योंकि अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास 2 अप्रैल में ही है, इसलिए इसने 2 अप्रैल की लिस्ट के अंदर ही इसको एड कर दिया। बट हमने इसका फायदा हमें ये मिला भी, हमने इस वाउचर को वापिस जो यूज कर लिया, अब हमारी कोई भी जो सीरीज है वो मिस नहीं होगी। लेकिन अभी तक जो वर्जन था उसके अंदर हम, पहली बात हमें ये पता भी नहीं चलेगा भी हमने कौन सा वाउचर मिस कर दिया। अब तो ये चलो हम अमाउंट के अकॉर्डिंग आइडिया लगा लेते हैं भी हमारी जो 5 रुपए की जो अमाउंट है ये 5 नंबर वाउचर की थी, लेकिन 4 वाली हमें पता ही नहीं चलेगा भी 4 नंबर वाउचर मिस है भी कि नहीं है। अब इसका फायदा हमें नए रिलीज के अंदर मिलेगा। अगर आपका कोई भी किसी भी टाइप के स्टेट का अगर कोई वाउचर मिस होगा ना, तो आप यहाँ से आके इसको ईजिली देख सकते हो। वाउचर नंबर पे जाओगे, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए राजस्थान सेल पे जाएंगे और अनयूज पे देखेंगे, तो अब आपको यहाँ पर कोई भी अनयूज डाटा नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक ही वाउचर था और वो हमने वापिस जो उसको रिकवर कर लिया। इसी तरीके से अगर आप दूसरे स्टेट की देखोगे,
तो दूसरे स्टेट का भी हमने कोई भी वाउचर अभी तक डिलीट किया नहीं है। इसी तरीके से आप अदर स्टेट की चेक करते जाओगे, कोई भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो भी आपका रिकॉर्ड मिस होगा, जो वाउचर नंबर मिस होगा, उसकी डिटेल हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर्स है अकाउंटेंट लोगों के लिए, ताकि उनकी जो सेल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो, और उनकी जो पार्टी की अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये फीचर्स जो आने वाले रिलीज है, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर भी जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर लेना।